सीमाओं पर मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है, जिसका इतिहास हमें 11वीं शताब्दी में ले जाता है। यह शहर 11वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक के ऐतिहासिक स्थलों से भरा हुआ है और इसने अच्छे और बुरे दोनों समय देखे हैं। मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर बसा ये नगर शिवपुरी से 127 किलोमीटर, ललितपुर से 37 किलोमीटर और ईसागढ़ से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है। बेतवा नदी के पास बसा चंदेरी पहाड़ों, झीलों और वनों से घिरा एक शांत नगर है, जहां सुकून से कुछ समय गुजारने के लिए लोग आते हैं। चंदेरी मालवा सुल्तानों और बुंदेला राजपूतों के समय से ऐतिहासिक महत्व का शहर है, जिन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर शासन किया था। सुंदर पहाड़ियों, झीलों और जंगल से घिरा यह आकर्षक गंतव्य चंदेरी साड़ियों और ऐतिहासिक स्मारकों के लिए अविश्वसनीय रूप से प्रसिद्ध है, जो हर साल इस जगह पर बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। खंगार राजपूतों और मालवा के सुल्तानों द्वारा बनवाई गई कई इमारतें यहां देखी जा सकती हैं। इस ऐतिहासिक नगर का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। 11वीं शताब्दी में ये नगर एक महत्वपूर्ण सैनिक केंद्र था और प्रमुख व्यापारिक मार्ग भी यहीं से होकर जाते थे। वर्तमान में बुंदेलखंडी शैली में बनी हस्त निर्मित साड़ियों के लिए चंदेरी काफी चर्चित है। यह प्राचीन जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। 2011 में इसकी आबादी 33,081 थी। इसके अलावा महान जैन स्मारकों, प्रसिद्ध त्रिकाल चौबीसी, खंडार जी और उनकी आकर्षक संस्कृति चंदेरी को मध्य प्रदेश के सबसे प्रचलित पर्यटन स्थलों में से एक बनाती है। चंदेरी में पर्यटन को बढ़ावा देने वाली कई चीजें हैं, जैसे चंदेरी किला, चंदेरी संग्रहालय, जैन मंदिर और सुंदर झीलें। चलिए अब हम आपको चंदेरी के इतिहास से रूबरू करवाते हैं। चित्तौड़ के राणा सांगा ने सुल्तान महमूद खिलजी से जीतकर इसे अपने अधिकार में कर लिया था। सन 1527 में मेदिनी राय नाम के एक राजपूत सरदार ने चंदेरी में अपनी शक्ति स्थापित की। उस समय तक अवध को छोड़ सभी प्रदेशों पर मुगल शासक बाबर का राज स्थापित हुआ करता था। फिर आपको बता दें कि रुद्र प्रताप देव ने इसे जीता और बुंदेला शासन स्थापित किया और बुंदेलखंड राज्य में शामिल कर लिया। 1857 में यहाँ के बुंदेला राजा मर्दन सिंह जुदेव बहादुर ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। चंदेरी किला चंदेरी का सबसे प्रसिद्ध स्मारक है। यह किला शहर से 71 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर स्थित है। ये किला 5 किलोमीटर लंबी दीवार से घिरा हुआ है। चंदेरी के इस महत्वपूर्ण स्मारक का निर्माण राजा कीर्तिपाल ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। इस किले पर कई बार अतिक्रमण किए गए और कई बार इसका पुनः निर्माण कराया गया। चंदेरी दुर्ग, ये किला चंदेरी का सबसे प्रमुख आकर्षित किला है। बुंदेला राजपूत राजाओं द्वारा बनवाया गया ये विशाल किला उनकी स्थापत्य कला की जीवंत मिसाल है। किले के मुख्य द्वार को खूनी दरवाजा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ युद्ध में कई लोगों की जान गई थी। ये किला पहाड़ी की एक चोटी पर बना हुआ है। ये पहाड़ी की चोटी नगर से 71 मीटर ऊपर है। ये मुगावली से 38 किलोमीटर दूर है। चंदेरी में एक कोशक महल भी है। इस महल को 1445 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी ने बनवाया था। ये महल चार बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। कहा जाता है कि सुल्तान इस महल को 7 खंड का बनवाना चाहता था, लेकिन मात्र 3 खंड का ही बनवा सका। महल के हर खंड में बालकनी, खिड़कियों की कतारें और छत की शानदार नक्काशियां हैं। परमेश्वर ताल, इस खूबसूरत ताल को बुंदेला राजपूत राजाओं ने बनवाया था। ताल के निकट ही एक मंदिर बना हुआ है।
राजपूत राजाओं के 3 स्मारक भी यहां देखे जा सकते हैं। चंदेरी नगर के उत्तर पश्चिम में लगभग आधे मील की दूरी पर ये ताल स्थित है। चंदेरी से लगभग 45 किलोमीटर दूर ईसागढ़ तहसील के कड़वाया गांव में अनेक खूबसूरत मंदिर बने हुए हैं। इन मंदिरों में एक मंदिर 10वीं शताब्दी में कच्चा पगहटा शैली में बना है। मंदिर का गर्भगृह, अंतराल और मंडप मुख्य आकर्षण है। चंदल मठ यहाँ का अन्य लोकप्रिय और प्राचीन मंदिर है। इस गांव में एक क्षतिग्रस्त बौद्ध मठ भी देखा जा सकता है। चंदेरी से 25 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में देवगढ़ किला है। किले के भीतर 9वीं और 10वीं शताब्दी में बने जैन मंदिरों का समूह है, जिसमें प्राचीन काल की कुछ मूर्तियां देखी जा सकती हैं। किले के निकट ही 5वीं शताब्दी का विष्णु दशावतार मंदिर बना हुआ है, जो अपनी सुंदर मूर्तियों और नक्काशीदार स्तंभों के लिए जाना जाता है। चंदेरी का प्राचीन नाम चंद्रगिरी था। चंदेरी महाभारत काल में श्री कृष्ण के प्रतिद्वंदी शिशुपाल की राजधानी थी। शिशुपाल चेदी देश का राजा था। महाभारत में चेदी की राजधानी का नाम तो नहीं है, लेकिन हाँ, इतिहास में इसका नाम आज भी अमर है। भारतीय इतिहास में चंदेरी का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। चंदेरी किले पर 1528 में मुगलों और राजपूतों के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में एक तरफ बाबर की सेना थी और दूसरी तरफ राजपूत राजा मेदनी राय की सेना। खानवा के युद्ध राणा सांगा घायल होकर युद्ध के मैदान से भागे। इसमें उनके कई सहायक भी साथ थे, जिनमें एक राजपूत राजा मेदनी राय था और वे लौटकर अपने किले में वापस चले आए। बाबर ने देखा कि चंदेरी फोर्ट में राजपूतों की शक्ति पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है, तो बाबर ने चंदेरी के राजा मेदनी राय और अन्य राजपूत वीरों के खिलाफ लड़ाई की। युद्ध में राजपूतों की सेना का नेतृत्व राजा मेदनी राय ने संभाला था। मेदनी राय मालवा का शासक था। चंदेरी के युद्ध के दौरान बाबर की सेना लड़ते हुए किले के अंदर पहुंची, तो उनके हाथों कुछ नहीं लगा। वीरभूमि का यह दुर्भाग्य रहा कि महाराणा सांगा को चंदेरी युद्ध में पहुंचने से पहले ही षड्यंत्र का शिकार बना लिया गया और मेदिनी राय खंगार युद्ध क्षेत्र में अकेला पड़ गया। मेदिनी राय खंगार के नेतृत्व में स्वतंत्रता के वीरों ने मातृभूमि के लिए अपनी कुर्बानी दी और महारानी मणिमाला सहित 1500 खंगार ललनाओं ने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अग्निकुंज में प्राणों की आहुति दे दी। जौहर की आग का वर्णन करते समय वीरांगना मणिमाला के तीर ने न केवल गद्दार हिम्मत सिंह की आंख फोड़ी, बल्कि बाबर की पगड़ी को भी धूल धूसरित कर दिया। चंदेरी के स्वाभिमान के आगे बाबर ने खुद को पराजित महसूस किया और विजय का उत्सव भी नहीं मनाया। प्रसिद्ध इतिहासकार श्रवण कुमार त्रिपाठी के अनुसार 18 जनवरी 1528 की रात चंदेरी में जौहर की रात थी। जौहर की आग को 15 कोस की दूरी तक देखा गया। जौहर की स्थिति का भान होते ही सुदूरवर्ती इलाकों की जनता ने वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि दी। ये परंपरा आज तक विद्यमान है। उस महाचिता की शांत और अदृश्य आग से चिर सुहाग बलिदान का संदेश मिलता रहेगा। चंदेरी के जौहर की इस घटना को आज भी लोक साहित्य में महसूस किया जा सकता है। बूढ़ी चंदेरी के उन घरों से जहां से स्वतंत्रता के वीर अपने घरों में ताला डालकर मेदिनी राय खंगार के नेतृत्व में राष्ट्रधर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, आज भी इस गाथा को दोहरा रहे हैं। इस तरह बाबर की सेना किले के अंदर गई, तब उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। राजपूतों का पराक्रम और राजपूत क्षत्राणियों के जौहर से बाबर बौखला गया, क्योंकि बाबर के लिए इस किले का बहुत महत्व था। लेकिन जौहर ने किले को पूरी तरह से खंडित कर दिया और किले का इस्तेमाल नहीं किया।
जागेश्वरी माता का मंदिर चंदेरी में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह मंदिर चंदेरी दुर्ग के पास में ही स्थित है। यह मंदिर प्राचीन और प्राकृतिक है। यहाँ आकर आपको जगदम्बा माता के दर्शन करने को मिलेंगे। यहाँ आपको शिवलिंग के भी दर्शन करने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ का जो माहौल है वह पूरी तरह से प्राकृतिक है। यहाँ पर पहाड़ों से जलधारा भी बहती है। यहाँ आकर आपको सुकून मिलेगा। श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र खंडार जी चंदेरी में स्थित एक प्रमुख जैन तीर्थ स्थल है। यहाँ पर आपको श्री आदिनाथ जी की पत्थर पर बनी हुई प्रतिमा देखने को मिलेगी, जो 38 फीट ऊंची है। ये बहुत सुंदर है और कलात्मक है। ये स्थल चंदेरी से करीब 1 किलोमीटर दूर स्थित है। ये विंध्यांचल पहाड़ी पर बनी हुई है, जहाँ विभिन्न प्रकार की गुफाएं देखने मिलती हैं। कटी घाटी चंदेरी शहर का एक मुख्य आकर्षण स्थल है। यहाँ पर पहाड़ को काटकर रास्ता बनाया गया है। यहाँ से चंदेरी शहर का खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। कटी घाटी चंदेरी नगर के दक्षिण में पहाड़ को काटकर बनाया गया है। कटी घाटी की ऊंचाई 80 फीट है, इसकी चौड़ाई 29 फीट है और लंबाई 192 फीट है। इस घाटी के बीच में ही पहाड़ को काटकर प्रवेश द्वार बनाया गया है, जिसके दोनों ओर दो बुर्ज बनाए गए हैं। यहाँ पर आप घाटी के ऊपर भी जा सकते हैं। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। कटी घाटी के पास मिल लेख के अनुसार ये घाटी सन 1490 ईस्वी में मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन के शासनकाल में जिमन खान द्वारा बनाई गई थी। यह भी कहा जाता है कि इस घाटी का निर्माण एक ही रात में चट्टानों को काट कर किया गया है। यह बात बहुत आश्चर्यजनक है। परमेश्वर तालाब चंदेरी में शहजादी के रोजा के पास स्थित है। परमेश्वर तालाब प्राचीन है। तालाब के बाजू में ही लक्ष्मण मंदिर स्थित है। यह मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। तालाब में महिला और पुरुष के नहाने के लिए अलग अलग घाट बने हुए हैं। तालाब के चारों ओर बैठने की अच्छी व्यवस्था है। झील में फव्वारा भी लगा हुआ है, जो रात में बहुत खूबसूरत लगता है। परमेश्वर तालाब के किनारे में लक्ष्मण मंदिर है। इसे 18वीं सदी में बुंदेला राजा अनिरुद्ध सिंह ने बनवाया था। यह मंदिर और भी पुराना है। मंदिर में शेषनाग की मूर्ति स्थापित है। परमेश्वर तालाब के एक छोर पर बुंदेला राजा भरत शाह की छतरी है। इस छतरी का निर्माण राजा देवी सिंह बुंदेला द्वारा 1642 से 1654 के बीच में किया गया था। इस इमारत के पास एक बोर्ड लगा है, जिस पर इस छतरी के बारे में जानकारी दी गई है। ये छतरी बलुआ पत्थर से निर्मित है। ये छतरी अष्टकोण है। आप यहाँ पर आकर इस छतरी की खूबसूरती को देख सकते हैं। 32वीं बावड़ी चंदेरी में घूमने की एक प्रमुख जगह है। ये चंदेरी शहर के जंगल में स्थित है, इसलिए यहाँ पर बहुत कम ही यात्री जाते हैं। आप यहाँ पर जा सकते हैं। आपको यहाँ पर कुछ दूरी तक पैदल भी चलना पड़ सकता है। 32वीं बावड़ी चंदेरी के सबसे बड़ी बावड़ी में से एक है। यहाँ पर आपको खूबसूरत बावड़ी देखने के लिए मिलती है। इस बावड़ी में 32 घाट हैं, इसलिए शायद इसे 32वीं बावड़ी के नाम से जाना जाता है। इस बावड़ी का निर्माण 1485 में मालवा के सुल्तान ग्यास शाह ने करवाया था। सिंहपुर महल चंदेरी में स्थित एक प्रमुख जगह है। ये महल पिछोर रोड पर स्थित है। आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। महल के सामने ही सुंदर तालाब बना हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं।
ये महल चंदेरी शहर से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। ये महल 3 मंजिला है। इस महल का निर्माण देवी सिंह बुंदेला ने 1656 में किया था। इस महल का उपयोग उस समय रेस्ट हाउस के रूप में किया जाता था। इस महल के चारों तरफ जंगल है। आपको यहाँ पर आकर बहुत शांति महसूस होगी। राजा महल एक 7 मंजिला महल है जो चंदेरी के अंदर शहर में स्थित है। ये उन कुछ बचे हुए महलों में से एक है जो अभी भी चंदेरी के परिदृश्य की शोभा बढ़ाते हैं। चंदेरी में कभी लगभग 260 महल थे, जिनमें से केवल 43 ही आज तक अस्तित्व में हैं। महल में 15वीं शताब्दी की स्थापत्य शैली है। ये ग्रे और सफेद बलुआ पत्थरों से निर्मित एक सुंदर संरचना है और इसमें प्रदर्शित करने के लिए विस्तृत नक्काशी है। महल वास्तव में एक शानदार संरचना है जिसमें बड़े आंगन, सुंदर सीढ़ियां, सुंदर नक्काशीदार स्तंभ और छत पर खुले मंडप हैं। महल के पास एक भूमिगत मार्ग है जो इसे पास में खड़े दूसरे महल से जोड़ता है। इस छोटे से महल को रानी महल के नाम से जाना जाता है, जो वास्तुकला और शैली में राजा महल से काफी अलग है। इन दोनों महलों को एक साथ राज महल के नाम से जाना जाता है। ये महल चंदेरी पर्यटन में आकर्षण के प्रमुख बिंदुओं के रूप में कार्य करते हैं। ये मंदिर चमोली जिले के जोशीमठ विकास खंड की उर्गम घाटी में स्थित है। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ साल में सिर्फ एक दिन ही भक्तों के लिए कपाट खोले जाते हैं। माना जाता है कि साल के बाकी 364 दिन यहाँ देवर्षि नारद भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। इस मंदिर के कपाट रक्षाबंधन पर ही खोले जाते हैं और उसी दिन सूर्यास्त से पहले बंद भी कर दिए जाते हैं। राजा रानी महल चंदेरी में एक देखने लायक जगह है। यहाँ पर आपको महल देखने के लिए मिलता है जिसमें राजा रानी रहते थे। ये महल 15वीं सदी में बनाया गया था। इस महल को बुंदेला राजा दुर्जन सिंह ने 1587 से 1733 ईस्वी के बीच बनाया है। इस महल का उपयोग हमाम खाने के रूप में किया जाता था। 24वीं दिगंबर जैन मंदिर चंदेरी में घूमने की एक प्रमुख जगह है। ये जैन धर्म का एक धार्मिक स्थल है। यहाँ पर आपको प्राचीन मूर्तियाँ देखने के लिए मिलती हैं। 24वीं जैन मंदिर को बुंदेलखंड का गौरव कहा जाता है। यह मंदिर 2 भागों में विभक्त है। पहला भाग बड़ा मंदिर है जो 13वीं शताब्दी में निर्मित किया गया है। इसमें बाहुबली भगवान की कार्योत्सर्ग प्रतिमा निर्मित है। दूसरे भाग में 24वीं जैन मंदिर है जिसमें दिगंबर जैन के 24 तीर्थंकर की प्रतिमा पृथक पृथक 24 शिखर युक्त पद्मासन ध्यानासन मुद्रा में विराजमान है। इस मंदिर की प्रसिद्धि का कारण ये है कि इस मंदिर में जो मूर्तियां पाई गई हैं, उस तरह की मूर्तियां कहीं और देखने को नहीं मिलती। इस मंदिर का निर्माण सन 1893 में कराया गया था। पुरानी अदालत चंदेरी में घूमने की एक प्रमुख जगह है। यहाँ पर आपको एक महल देखने के लिए मिलता है। ये महल 2 मंजिला है। इस महल का निर्माण बुंदेला राजाओं के द्वारा किया गया है। इस महल को पुरानी कचहरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये बुंदेला शासकों का महल है। इस महल का निर्माण 17 और 18वीं शताब्दी में बुंदेला राजा द्वारा किया गया था। पूर्व काल में न्यायालय संचालित रहने के कारण इसे पुरानी कचहरी कहा जाता था। इस इमारत के सामने बोर्ड पर लिखा है कि यह विशाल इमारत न्याय का घर है। चकला बावड़ी चंदेरी में घूमने की एक प्रमुख जगह है। इस बावड़ी का निर्माण 15वीं सदी में मांडू के सुल्तान द्वारा कराया गया था। उस बावड़ी का उपयोग महिलाओं के नहाने के लिए किया जाता था। बावड़ी में दोनों ओर सीढ़ियां बनी हुई हैं। इसका निर्माण सन 1684 ईस्वी में हुआ था। आप यहां पर घूमने के लिए आ सकते हैं।
मालनखो झरना चंदेरी से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर घने जंगलों में स्थित है। ये खूबसूरत झरना है। ये झरना चंदेरी में स्थित एक प्राकृतिक स्थल है। इस झरने के चारों तरफ घना जंगल है। आप यहाँ पर बरसात के समय पिकनिक मनाने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर सिद्धेश्वर हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ करीब 50 मीटर की ऊंचाई से झरना गिरता है, जिसमें लोग नहाने का मजा लेते हैं। चारों तरफ हरियाली के बीच ये झरना बेहद खूबसूरत लगता है। यहाँ पर एक गुफा भी है। यहाँ पर शिवलिंग भी है, जिसका जल अभिषेक पहाड़ों से गिरते हुए पानी के द्वारा होता है, और ये पानी साल भर और 24 घंटे गिरते रहता है। ये एक प्राकृतिक स्थल के साथ साथ धार्मिक स्थल भी है। आप यहाँ घूमने के लिए आ सकते हैं। इतिहास बताता है कि चंदेरी की खूबसूरत साड़ियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला फैब्रिक वैदिक युग से ही अस्तित्व में आ चुका था। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की बुआ के बेटे शिशुपाल ने इसकी खोज की थी। चंदेरी फैब्रिक और डिजाइन दोनों ही अपने आप में अनूठे हैं। देश दुनिया में मशहूर चंदेरी की इन साड़ियों की खूबसूरती में बुनकरों की दिन रात की कड़ी मेहनत साफ नजर आती है। क्या आप जानते हैं कि ये साड़ियाँ कब से प्रचलन में हैं? वहीं इन्हें किस तरह तैयार किया जाता है? आइए हम आपको बताते हैं कि चंदेरी की इन साड़ियों का रोचक इतिहास लोगों को न सिर्फ शाही अंदाज में रहने का शौक है, बल्कि शाही खाने और शाही पहनने का उनका अंदाज भी लाजवाब है। इसी शाही अंदाज से निखारी गई चंदेरी सिल्क की साड़ी मशहूर है। चंदेरी में प्योर सिल्क, चंदेरी कॉटन और सिल्क कॉटन, ये तीन तरह के फैब्रिक्स तैयार किए जाते हैं। इन फैब्रिक्स पर कशीदाकारी कर उन्हें खूबसूरत लुक दिया जाता है। ये तीनों ही फैब्रिक बहुत पसंद किए जाते हैं। हथकरघा से बनी विशेष साड़ियों और पर्यटन के लिए पहचानी जाने वाली चंदेरी में अब फिल्मी दुनिया की रुचि भी बढ़ गई है। सुई धागा, स्त्री और कलंक जैसी बड़े पर्दे की फिल्में बनने के बाद अब अजमेर बानवे वेब सीरीज की शूटिंग भी चंदेरी में होगी। एमकेएन न्यूज से मैं शशिकांत सिरसा चंदेरी से। हम बात कर रहे हैं अशोक नगर की, चंदेरी की, जो लगभग अशोक नगर से 60 किलोमीटर दूरी पर है। और हम बैठे हैं अभी कीर्ति दुर्ग के अंदर, और हमारे साथ एक मेहमान बैठे हैं, अविनाश, डॉक्टर अविनाश जैन। सर, एमकेएन में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आप अपने कीर्ति दुर्ग के बारे में बताएं, क्या है इसका वर्णन? कीर्ति दुर्ग के बारे में अपन चर्चा करें, इसके पूर्व चंदेरी क्षेत्र के इतिहास के बारे में थोड़ी हम चर्चा आपसे करना चाहेंगे कि यह क्षेत्र जो है, ये महाभारत कालीन क्षेत्र है। उस समय यहाँ का राजा शिशुपाल था, और शिशुपाल का नाम आपने महाभारत में सुना होगा कि शिशुपाल और उनकी बुआ का लड़का था, श्री कृष्ण की बुआ का लड़के थे शिशुपाल। तो शिशुपाल कि तमाम गलतियां होने के बावजूद, जब वो यदि महाभारत की यदि कथा देखें तो उसमें ये भी विवरण मिलता है कि शिशुपाल जब पैदा हुए थे उस समय उनकी 3 नेत्र और 4 हाथ थे। तो उस समय उनकी बुआ ने ये, जब श्री कृष्ण वहाँ पर उनको देखने पहुँचे तो उस समय उनके अंग जो अतिरिक्त थे, एक नेत्र था एक्स्ट्रा जो माथे पर है, और दो हाथ बाजू जो थे वो 6 हो गए थे, अपने आप समाप्त हो गए थे। तो उनकी माँ को ये पता पड़ गया कि श्री कृष्ण ही हमारी इस पुत्र का वध करेंगे या मृत्यु का कारण बनेंगे। तो उन्होंने उनसे वचन लिया कि आप इसका वध नहीं करेंगे, ये तुम्हारा भाई है। कीर्ति दुर्ग पे खड़े हैं और यहाँ पे पर्यटक आए हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे कीर्ति दुर्ग इनको कैसा लगा है। सर, आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर आशीष पाठक, प्रोफेसर हूँ इंदौर में गवर्नमेंट कॉलेज में, और कल हम यहाँ चंदेरी आए शाम को, और अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय। मतलब हमारे पास तो समय चूंकि कम है, पर हम चाहेंगे कि हम यहाँ दोबारा आएँ, और दोबारा आके कम से कम 3-4 दिन रहकर यहाँ की प्राकृतिक और पुरातात्विक संपदा का, ऐतिहासिक संपदा का आनंद उठाएं। दर्शकों, ये था चंदेरी की कुछ विशेष विरासतों का ऐतिहासिक स्वरूप। आशा करते हैं कि हमारे माध्यम से चंदेरी के बारे में दी गई ऐतिहासिक जानकारी आपको पसंद आई होगी।
आगे भी आपको ऐसी ही अन्य धरोहरों से रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए एमकेएन के साथ। नमस्कार। किसान की आय डबल करने का लक्ष्य, किसानों का जीवन आसान बनाना, हम इस संकल्प पथ पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड राज्य को सशक्त बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार द्वारा निरंतर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं और इन्हीं प्रयासों का सुपर